हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आ गए हैं जू, और आपको दिखाएंगे जू के सीन और जू के एनिमल और सब चीजें दिखाएंगे। भूत बंगले में भी जाएंगे और भी ज्यादा चीजें दिखाएंगे आपको, पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और पार्किंग पे जो है हमने गाड़ी लगा दी है, और ये पार्किंग है। बाकी दो दोस्तों को मैंने पकड़ लिया है जो फारिंग है घर से, कुछ काम वाम नहीं है उनको, बस ये है वो दो दोस्त। कोई काम वाम तो नहीं है ना आपको घर से? तो तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और टिकट दिखाते हैं। टिकट भी उधर की पार्किंग लगी है, 50 रुपये लगी है बाइक की पार्किंग। अब कार का मुझे पता नहीं है, तो अंदर चलते हैं, अंदर का टिकट बता नहीं देता हूँ। बारिशों के लिए लगाया था कि जो है वो गीला ना हो इधर का ना, तब सी मतलब पानी वानी जमा ना हो। तो जी इधर से हमने ले ली थी एंट्रेंस, और हम इधर गेट से अंदर ही आए, और इधर जब मिले हैं काले हिरन। आपको दिखाते हैं काले हिरन के बारे में क्या लिखा हुआ है। और काले हिरन बोले, पे पाया जाता है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। फिर मैं पीछे से बोल रहा हूँ, फिर तुम ये बोल। बस ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग इधर पॉज करिए वीडियो और देख लीजिएगा। भाई इधर सामने जो थे वो काले हिरन थे, और इस सब जो है वो कैंटीन है। ये हमारे भाई ज्यादा फोकस कर रहे थे कैंटीन की तरफ, नमाज की तरफ। तो अभी पढ़ेंगे नमाज, फिर आपसे मिलेंगे। काले हिरन आपको मैंने दिखा दिए थे। काले हिरन के बराबर में जो है वो आ जाता है एनिमल, एलिफेंट हाउस। एलिफेंट हाउस में जो हमने एंट्री ले ली है, और इधर तो एलिफेंट हमें दिख रहा नहीं है, लेकिन हमें इतना तो अंदाजा हो गया कि एलिफेंट है, क्योंकि इधर घास पड़ी हुई है। ये घास रखी हुई है, और एलिफेंट क्या पता अंदर होगा या फिर लेके गए होंगे कहीं ना कहीं। ऊपर चढ़ गया हूँ मैं हाथी देखने के लिए, अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। ए नहीं आती हाथी इधर, नहीं आती, भाग गया हाथी को, भगा दिया इन लोगों ने यार। ऐसे नहीं करो यार, लोग हैं भी वीडियो बनाने आ रही है, हाथी को भगा रहे यार। हमें हाथी दिख गया है। बराबर में जब हम एलिफेंट हाउस में घुसे थे तो उधर तो हाथी दिखा नहीं था हमें, लेकिन बराबर में था हाथी। वो मैं ऊपर चढ़ के दिखाया भी आपको, लेकिन जब बराबर में देखा तो हाथी था, वो आपको दिखा दिया। मैं आपको दिखाया था हमने काले हिरन जैसे हमने एंट्रेंस दी थी, और अभी दिखाते हैं आपको फेलो हिरन। ये लिखा था इसके बारे में इंस्ट्रक्शन, और आप पॉज करके देख लीजिएगा इसको। हमारे पास कुर्सी बर्ड, और ये आ गया हमारे पास मोर। ये मोर है, और ये आ गई चाइनीज बोलिए। और फिर आगे आ गया मोर, फिर आगे जो है वो आपको चलते दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है वो चुड़िया है, देखो ऊपर तो अच्छा, देखो ऊपर मोर है, इधर भी मोर है। तो उस तरफ से वो सारे मोरी थे, और हमारा इस तरफ भी मोरी है, और इस तरफ भी जो है वो मोर है। बाकी कुछ नया दिखता है तो आपको दिखाते हैं। और हिरन के हेलो बात तो सही है भाई, देखो सही है। तो फिर आपको कुछ नया दिखता है तो दिखाते हैं। बाकी हमने दिखा दिया आपको अभी मगरमच्छ, और जो भी बिल्कुल हिल नहीं था, सुस्त मारा था, ये खाना उनको मिल जाता टाइम पे। बाकी आगे दिखाते हैं आपको सीन आगे के, बदखे के दिखाते हैं, बदखे हैं आगे। और इधर झील है, झील पे बोटिंग वोटिंग का सीन है। भाई बोटिंग करनी है आपको?
करनी भी होती तो आप अपने वैसे करते। बात तो सही है। ये देख सकते हैं इवाद की फैन क्या बोला तूने? ताजमहल आ गया और ये भूत बंगला आ गया और सामने जो है वो दखेती आपको जैसे दिखाई है, फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं सामने, कौन बैट्समैन है जो आपकी बॉल पे आउट होगा? तो जी हाँ, उधर से हम लोग आ गए थे, आपको दिखाया बदखे वाला सीन और इधर की तरफ आ गए। इधर जो है वो रीच है, आपको रीच दिखाते हैं, रीच कैसा है, मतलब खतरनाक भाई, फुल किस्म का, फुल खतरनाक किस्म का रीच होगा ये। अबे रीच के नाम के तो मजाक है ये। अच्छे अच्छे बिल्ली बन जाते हैं, बात तो सही है। आप लोग कमेंट बताएं किस चीज का दर्द ये पत्तों का दर्द लगता है। तो ये वही टर्टल था दोस्तों जो कि खरगोश की रेस में जीत गया था। बेड़ा में कैसे मस्त है। तो इस चीते को कोई लिफ्ट ही नहीं करा, ये आराम से बैठा हुआ। तो जी बाकी तो सब चीजें दिखा दी, बस आपको रह गए तोते दिखाना। और तोते जो है वो हमारे पास याद है, सामने एक ही याद है और आगे और जाल बने हुए, और जाल दिखाते है क्या वैसे? वैसे कोई भी नहीं है इधर, मक्का वक्का कुछ सोता हो टाइप का वो आपको दिखाए थे, वो ग्रीन पैरेट है, वो क्या देखेंगे आप? तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे के सीन आपको दिखाते हैं। भाई आपको कुछ बोलना है आपको दोनों को? बस चलो फिर कुछ खापा छापा करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं आगे। दिखा है काले हिरन, फेलो हिरन, अब आ गए सफेद हिरन। तो जी हाँ दोस्तों, झूले तो हमने बहुत ढूंढे और झूले नहीं मिले क्योंकि मैं आया था पिछले 10 साल पहले आया था,
तो तब तो थे झूले, अब जो झूले पूछा हमने लोगों से ही पूछा तो बोलने के झूले खत्म हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है, इन दोस्तों की राय लेते हैं। और आप 10 साल पहले जिन झूले पे बैठे थे वो झूले हैं, लेकिन आप बैठने नहीं देगा कोई, आप समझे बात, आप दिखाओ ना वो झूले है तो सही झूले, लेकिन कोई बैठने नहीं देगा। वो बच्चों वाले झूले कर दिए अब, और जो है वो बड़े वाले झूले से पहले थे वो खत्म हो चुके हैं। हसन भाई आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मतलब इनका वो है कि नो कमेंट्स। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं कुछ नया दिखने को मिलता है दिखाएंगे। बाकी देखने को मिल गए नील गए। जी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब मत कर दिएगा, क्योंकि इसी वीडियो का लगा रहे हैं पुलिस स्टॉप। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।